नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंदर और आप देख रहे हैं एग्जाम वॉरियर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम आपको एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन देने वाला और एक काफ़ी मोटिवेशनल बड़ा वीडियो होगा ये। तो आप इसको वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। जो भी पंचायत सचिव के कैंडिडेट्स हैं, साथ ही साथ PGT और TGT के कैंडिडेट हैं, सारे कोई इसको देखें, क्योंकि ये वीडियो के बाद देखने बाद आपके आंखें खुल जाएंगी और आप पे एक अंदर का जोश आ जाएगा। ठीक है, तो मैं चैनल पे बने रहिएगा और आपको जो भी 20 तारीख को होने वाला है आंदोलन, महाआंदोलन, उसके बारे में भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर आपको सटीक जानकारी मिलेगी और सही समय पर जानकारी यहाँ पर मिलती है। तो आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता है कि 20 तारीख को 7:30 बजे आप लोग का रांची में एक आंदोलन है। वहाँ पे आपको इसका मैं वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, लास्ट वीडियो मेरा, वहाँ पे आप देख के चेकआउट कर सकते हैं। और आपको 20 तारीख को सुबह 7:30 बजे पहुँचना है, जो एड्रेस दिया है उस पर, और वहाँ पे जाके फिर मुख्यमंत्री आवास पे जाना है। तो चलिए मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूँ, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑडियो है और काफ़ी इंफॉर्मेटिव ऑडियो है। के सम्मानित सदस्यों को क्रांतिकारी अभिनंदन, जोहार। मैं अक्षय। आप सभी जानते हैं कुछ कर गुजरने का समय आ गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जिंदगी सबों को एक अवसर देती है स्टार बनने का, कुछ करने का, और वह समय हम सबों के जिंदगी में अब ही आ गया है। इसलिए आप तमाम साथियों से निवेदन है, आपको ज़्यादा कुछ डिटेल में बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी ऑलरेडी जानते हैं कि जो जजमेंट हम लोगों का आने वाला था 17 को, उस दिन माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे केस को सुप्रीम कोर्ट के केस से को रिलेट करते हुए ये कह दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट नहीं देती है, क्योंकि ये मामला वहाँ पे विचाराधीन है, तो जब तक माननीय उच्चतम न्यायालय का इस पे फैसला नहीं आ जाता है तब तक हम असमर्थ हैं इसको देने में। उसका फैसला आने के बाद ही हम अपना फैसला देंगे। आपको बताते हुए अत्यंत ही दुख हो रहा है कि हमारे लिए खतरे की घंटी है। मैं आप सबों को मिसगाइडेड नहीं करना चाहता, मैं भी इस बहाली से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन आप यह मान के चलिए कि अगर अभी आप जगे नहीं, सोए रह गए, हम सब अभी नहीं जगे, तो हमारी बहाली रद्द भी हो सकती है, वैकेंसी को रद्द भी किया जा सकता है, क्योंकि जैसा लग रहा है उस हिसाब से आंध्र प्रदेश की सरकार जो है सो सुप्रीम कोर्ट में केस हारने वाली है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम लोगों तक न्यूज़पेपर के माध्यम से या टीवी के माध्यम से यह न्यूज़ भले ही ना पहुँची हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट रिजर्व हुआ आंध्र प्रदेश केस का, जैसा कि आप जानते हैं आंध्र प्रदेश केस का जजमेंट 13 फरवरी को रिजर्व हो गया है, तो जो रिजर्व हुआ उसका प्रतिदिन का, जैसे हमारे यहाँ नियोजन नीति की सुनवाई हो रही थी तो प्रतिदिन पेपर में आ रहा था कि क्या हुआ आज क्या हुआ, वैसे दिल्ली में प्रत्येक दिन आ रहा था। और वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार के वकील को फटकार लगाई है, जिससे प्रथम दृष्टया में यह प्रतीत हो रहा है कि जो न्यायपालिका है वो इसको समर्थन नहीं देने वाली है। इसलिए ये तो हो गई अलग ही बात, पता नहीं क्या होगा, लेकिन अगर वैकेंसी को बचाना है तो आप सभी सम्मानित भाइयों और बहनों से अनुरोध है कि आप सभी 20 मार्च को सुबह 7:30-8 बजे तक मोराबादी मैदान पहुंचना सुनिश्चित करिए। वहां से हम लोग मानव श्रृंखला बनाकर CM हाउस जाएंगे, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े, अगर उग्र आंदोलन करना होगा तो उग्र करेंगे, लेकिन बुजदिल इस आंदोलन में ना आए। जो पीठ दिखा के भागते हैं वो बुजदिल इस आंदोलन में ना आए, क्योंकि नहीं आना है मत आइए। आप किसी कारणों से व्यस्त हैं वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है, नहीं आना है मत आइए, लेकिन अगर आप आइए तो लाठी खाने के लिए तैयार रहिए। हो सकता है उस दिन लाठी खाना होगा, क्योंकि जब तक लाठी नहीं खाइएगा फेम नहीं मिलेगा, तब तक पॉपुलरिटी हमारे आंदोलन को कोई ध्यान नहीं देगा। जाएंगे 2 दिन झुंझुना बजाएंगे, राजभवन के समक्ष बैठेंगे, कोई न्यूज चैनल वाले आएंगे, 2 मिनट इंटरव्यू लेके चले जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो हो सकता है कुछ करना पड़े, क्योंकि कुछ कर गुजरने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगर अभी नहीं जगे तो हमारी बहाली खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है, हमारा किया हुआ 3 साल का सारा मेहनत मिट्टी में मिल जाएगा। इसलिए स्पेशली लड़कियों से अनुरोध है कि जितनी खुशी से आप DB करवाने पहुंची थी, अपने फोटोज़ को पोस्ट कर रही थी, बहुत सारी लड़कियां, मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा, बहुत सारी मुझे कॉल करती हैं, मैसेज करती हैं, मुझसे पूछती भी हैं कि क्या है, कैसे है, क्या हो रहा है। तो देखिए, हर कुछ का निदान मैसेज नहीं है। जिस तरह से आपने खुशी खुशी अपना DV करवाया, आप 50% हकदार हैं इस वैकेंसी की, अतः आपसे सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है, आप भी वहाँ पर आइए, क्योंकि आप हमारे साथ रहेंगे, तो कुछ अगर उल्टा पलटा हुआ तो उससे बचा जा सकता है, क्योंकि आप पे लाठी चार्ज करने से पुलिस जो है, प्रशासन जो है, सो परहेज करेगी। और ऐसा ही कुछ करना होगा, क्योंकि डर गए तो अभी नहीं तो कभी नहीं। लास्ट टाइम आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर वैकेंसी को बचाना है तो आप लोग
मोराबादी मैदान में 20 मार्च को पहुंचना सुनिश्चित करिए, घरों से बाहर निकलिए, जैसे भी आ सकते हैं आइए, जिंदगी आपको एक अवसर दे रही है अपने लिए कुछ करने का, वक्त लौट कर कभी नहीं आता है, 20 मार्च आपकी जिंदगी में लौट कर कभी नहीं आएगा। ऑडियो थोड़ा लंबा हो गया, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन यही शब्दों के साथ मैं इस ऑडियो को समाप्त कर रहा हूँ कि आप सभी 20 मार्च को आना सुनिश्चित करिए, क्योंकि हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और सभी दरवाजे बंद हो चुके हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वैकेंसी रद्द भी हो सकता है, आप घर में बैठ के ये सोच के मत रहें कि हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं, आपको सुरक्षित करना होगा क्योंकि अब सरकार ही कुछ कर सकती है। धन्यवाद। अक्षय।